उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र की मानपुर चौकी क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस चौकी से 50 कदमों की दूरी पर सर्राफा की दुकान में कूमल लगाकर लाखों का माल उड़ा ले गए। आपको बता दें कि पीड़ित विमल रस्तोगी की पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर लाला उज्जवल ज्वेलर्स के नाम से सर्राफा की दुकान है। चोरों ने कूमल लगाकर 1.25 लाख का माल, जिसमें 1 किलो चांदी, चांदी के सिक्के, सोना एवं LED चुरा ले गए। दुकान मालिक विमल रस्तोगी का कहना है कि पुलिस को तहरीर दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लगभग 8 दिन पहले हुई चोरी का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सोचने की बात तो ये है कि मानपुर पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र सिंह पत्रकारों को दबंगई दिखाते हैं, लेकिन चोरों तक पहुंचने में नाकाम है। चोरों की बढ़ती वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दहशत इस कदर है कि मार्केट में कोई भी दुकानदार अपने दुकानों को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। बिमल जी, आपकी दुकान जो है ये कहाँ पर है? ये मानपुर चौकी। किस नाम से है? क्या हुआ था, कब हुआ था? मेरे को दुकान के शटर खोल के देखा तो यहाँ पे LED लगी थी, बाहर चांदी के सिक्के ठहरे हुए और 6-7 ग्राम पुराना था, और बाकी अलग्रीन का भी वो था, 5-5 जो लग गया था, LED थी वो चली गई थी। कितने का नुकसान हुआ? कुल मिलाकर लगभग 1 नुकसान था। ये घटना कब की है? घटना थी तारीख 17 तारीख की बात। हाँ जी, पेपर में मेरा अभी कोई गिरफ्तारी हुई इस पे नहीं है? अभी कुछ नहीं। अच्छा भाई, पुलिस चौकी यहाँ से कितनी दूर है? पुलिस चौकी यहाँ से 50-40 कदम पे। मतलब चोरी हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को उस समय पता भी नहीं चला था जिसमें पुलिस में चोरी हुई थी? नहीं, उस समय मालूम। देखिएगा, लगभग 50 कदम की दूरी पर चोरी होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं क्षेत्र में। आखिरकार क्या कहा जाए, यहाँ कोई जनता, ना तो जनता सुरक्षित है और ना ही यहाँ जो कारोबार है उस तरह की दुकानें, ना ही वो सुरक्षित है। आप पुलिस के बारे में ऐसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो ध्यान नगर दुकानों का कोई जो है अभी कोई चौकीदार लगाए यहाँ पर, जी ये कहना चाह सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपके यहाँ वारदात हुई है, आपने तहरीर भी दी है, उसके आधार पर पुलिस वालों ने कोई अभी तक के जो क्लू थे वो ढूंढे या अभी नहीं ढूंढे? मैं गया था, अभी बता रहे छानबीन चल रही है। अच्छा, छानबीन चल रही है अभी, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। मतलब 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी छानबीन ही में ही लगे हैं।